शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का यूएई ऑफिशियल न्यूज उर्दू चैनल और आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से दुबई फ्लाइट्स को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, और इसी के साथ जो है आपको बताएंगे क्या फ्लाइट्स फिर से बंद हो रही हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि फ्लाइट जो है फिर से बंद हो रही है या नहीं, इसका भी जवाब दूंगा। और साथ साथ जो है एक विजिट वीजा के हवाले से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो कि आप सभी लोगों को लाजमी से मालूम होना चाहिए। अगर आप जो है पाकिस्तान से दुबई यूएई की किसी भी स्टेट में जाना चाहते हैं या फिर जो इंडिया या बांग्लादेश अगर आप जो है दुबई जाना चाहते हैं तो इस अपडेट्स के बारे में आप सभी को लाजमी से मालूम होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी लाजमी से क्लिक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को भी लाजमी से लाइक कर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली अपडेट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि दुबई एमरेट्स एयरलाइन ने ऐलान किया है कि अगर आप जो है वर्ल्ड वाइड कहीं से भी दुबई यूएई की किसी भी स्टेट में जाते हैं तो अब आपको जो है टिकटों पर 25% डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑफर है ये 14 फरवरी 2022 की ऑफर है, ये अभी की ऑफर है। अगर आप जाना चाहते हैं दुबई यूएई की किसी भी स्टेट में तो आप जो 14 फरवरी की टिकट बुक करवा सकते हैं और इस पर जो है आपको पूरे के पूरे 25% डिस्काउंट मिलेगा अपनी टिकटों पर। और इसका एक ये मतलब ये भी है दोस्तों कि आप जो है फ्लाइट्स बिल्कुल भी बैन नहीं होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि दुबई वाले कह रहे थे कि किसी भी हाल में जो है अपनी फ्लाइट्स को जो है फिर से बैन नहीं करेंगे। अब जो दोस्तों चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि जो बहुत बड़ी अपडेट है उन तमाम मेरे भाइयों के लिए जो कि जो है पाकिस्तान से दुबई यूएई की किसी भी स्टेट में जाना चाहते हैं विजिट वीजा पर, टूरिस्ट वीजा पर काम के लिए। तो दोस्तों पहले ये होता था कि आप वहां पर जाकर जो है आप अपना काम तराश करते थे, काम तराश करने के बाद जो है आपको वापस अपनी कंट्री में आना पड़ता था, फिर आपको वापस जाना पड़ता था, तभी जाकर जो है आपका विजिट वीजा जो है वो रेजिडेंट वीजा में या फिर जो है वर्क परमिट वीजा में चेंज होता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब आपको जब वापस आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वहां पर नौकरी मिल गई और नौकरी अच्छी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 550 दरहम का वहां पर जो है फीस पे करनी होगी और आपका जो वीजा होगा विजिट वीजा टूरिस्ट वीजा वीजा होगा वो जो है चेंज हो जाएगा एज अ वर्क परमिट वीजा में और एज अ रेजिडेंट वीजा में। तो ये दो बड़ी अपडेट्स, बहुत ही गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर जो इंडिया से दुबई यूएई की किसी भी स्टेट में जाना चाहते हैं तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा।